हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टील ड्यू टू कंडक्टिंग स्टेट, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्टेट। दो स्लो एप्लीकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Finite log charge sheet, ठीक है। ये मेरे पास में सीट है इनफाइनाइट लॉग सीट, इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट निकालने के लिए गॉस ने क्या बताया था, हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। तो गॉसियन सरफेस अगर अज्यूम करेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना था, तो क्या करेंगे, मैंने इसके अंदर सीट पास की, सीट के बाद में सीट में जो मैंने ये मान लिया था गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं कहाँ कहाँ फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस सीट की वजह से, ठीक है। मैंने इसमें गॉसियन सरफेस यूज किया सिलेंडर की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं इस एंड पॉइंट के ऊपर, इस एंड पॉइंट के ऊपर, और क्या बचा, थर्ड काउंटर सरफेस। तो इन तीन पॉइंट्स के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज थे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था मुझे। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड होगा, इस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। नेक्स्ट बात आई सरफेस की, अब गॉसियन सरफेस जो है इस पॉइंट पे क्या होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा वो डायरेक्शन कंसिडर कर रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, जिस डायरेक्शन में एरिया एक्सपेंड होगा वो डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक होगा, एन कैप डी एस, एन कैप डी एस, ठीक है। इसके बाद कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के ऊपर क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक होगा, ये हमारे पास होगा सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन। इसके बाद अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या होगा, अभी गॉस लॉ अप्लाई कर लो, इसके इस पॉइंट को नाम दे दिया ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया बी पॉइंट, और कर्व्ड सरफेस को नाम दे दिया सी पॉइंट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी E dot ds A पॉइंट के ऊपर, ठीक है, प्लस E dot ds एट पॉइंट B, प्लस E dot ds एट पॉइंट C, टोटल वैल्यू होगी क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। हम जो है इंडिविजुअल किसी भी एक वैल्यू को क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि गॉस ने क्या कहा था कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी क्यू बाई में एप्सिलॉन के ऊपर। तो इसका मतलब फ्लक्स हमारी यहाँ भी बन सकती है, कर्व सरफेस में बन सकती है, और इस एंड पॉइंट पे बन सकती है, तो टोटल जो सम होगा वो होगा क्यू बाई में एप्सिलॉन के ऊपर। तो इसका मतलब ए पॉइंट के ऊपर बात की जाए, ए पॉइंट मतलब ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, सरफेस वेक्टर भी इस तरफ है, तो दोनों क्या है, पैरेलल है। बी पॉइंट की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सरफेस वेक्टर इस तरफ है, दोनों क्या है, पैरेलल। इसका मतलब हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर अगर बात की जाए एंगल की, तो ई डी एस कोस ऑफ जीरो डिग्री बनेगा, ठीक होगा, क्लियर है, ए पॉइंट। बी पॉइंट की बात की जाए, ई डी एस कोस ऑफ
जीरो डिग्री बनेगा, ठीक होगा, cos 0 1 प्लस सी पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, सरफेस वेक्टर था रेडियली आउटवर्ड, मतलब जैसे कि मेरे पास में ये सिलेंडर है तो इसका तो कर्व सरफेस एरिया था, ये था मेरे पास में, इस पे सरफेस वेक्टर रिएक्शन क्या होगी हर तरफ से आउटवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब यहां बनेगा मेरे पास में EBS cos ऑफ 90 डिग्री, cos 90 क्यों होना, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर नॉर्मल टू सरफेस बनेगा और यहां मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो cos 90 बनेगा, cos 90 बन गया 0, इट मींस ये टर्म क्या होगी 0, टोटल वैल्यू इसकी इक्वल होगी हमारे पास QY में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, दिस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। अब EBS यहां से बचेगा, EBS अगर यहां से बचेगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2E बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक होगा। अब जो ds है बतानी से ds की वैल्यू क्या है, फिर मैंने जो सिलेंडर पास हुआ है उस सर इसके अंदर से पास हुआ है सर ये एरिया होगा, तो मेरे पास वो था ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, s के बराबर, लेकिन वो इस एरिया को बताएगा सीट का सर ये वाला एरिया जहां से हमने सिलेंडर पास किया। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा मेरे पास में 2E into S किसके बराबर है, चार्ज जो है सरफेस के ऊपर है, सीट के ऊपर था चार्ज और सीट के ऊपर था तो सरफेस चार्ज जो होगी सिग्मा into सरफेस एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। S से S कैंसिल, दिस इंप्लाइज E हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज सीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सीट। अभी इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो निकाली मैंने क्या वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है, क्यों, ई की वैल्यू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन आई है, उसका मतलब डिस्टेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। अब अगर मेरे पास यही सीट ठीक होती, केस है हमारे पास अगर ठीक सीट होती, ठीक है, ठीक सीट होने का मतलब क्या है, मेरे पास में ये है सीट तो इसके इस तरफ भी चार्ज है, दूसरी तरफ भी चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सीट की वजह से, एक साइड जो चार्ज था उसकी वजह से कितनी आई सिग्मा वाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरे की कितना बनेगा मेरे पास में, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा थिक चार्ज सीट की वजह से ये बनेगा सिग्मा वाई में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा वाई में 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब वैल्यू बन जाएगी सिग्मा वाई में 2 sigma y में 2 epsilon naught, 2 से 2 cancel, means sigma y में epsilon naught, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लियर है, पक्का। देखो दोबारा बताता हूँ मेरे साथ, इसका हमने गॉसियन सरफेस किया सिलेंडर की शेप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा दोनों तरफ, ठीक है, सरफेस वेक्टर यहाँ क्या होगा इस तरफ होगा, वहाँ इस तरफ होगा, सरफेस वेक्टर इस तरफ होगा, तो ये जो पॉइंट है यहाँ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर पैरेलल, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर पैरेलल और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 90, तो यहाँ की जो हमारे पास EBS cos 90 बनेगा 0 बन जाएगा, टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी अकॉर्डिंग टू cos के वजह एप्सिलॉन नॉट, तो EBS प्लस EBS क्या बन जाएगा 2 EBS, तो 2 की बार आ जाएगा ds का इंटीग्रेशन और ds का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा ये वाला सरफेस एरिया, मैंने इसको s नाम दे दिया, s सरफेस, ठीक है, क्यों मेरे पास चार्ज हो गया होगा सिग्मा इनटू s के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, तो s से s कैंसिल, e की वैल्यू आएगी सिग्मा y में 2 एप्सिलॉन, ये कब था जब थिन चार्ज सीट थी, अगर मेरे पास थिक चार्ज सीट होगी तो मेरे पास क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 टाइम्स हो जाएगा तो वैल्यू आएगी सिग्मा वाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन चार्ज पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग सीट्स दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ये मैंने दो चार्ज सीट मानी, ठीक है, थ्री चार्ज सीट है, इसका फील्ड यहां से उस दीवार तक है, ठीक है, और इस सीट का फील्ड इस दीवार तक भी है, ठीक है। अब इसके फील्ड में एक सीट मैंने और रख दी, ठीक हो गया। अब इसका जो फील्ड है इसका भी क्या है, इस दीवार तक है, इसका भी क्या है, इस दीवार तक है। तो मतलब इसके फील्ड में ये रखी हुई है और इसके फील्ड में ये रखी हुई है, तो ये दो पैरेलल सीट है और इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट कर रही है। कैसे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी वजह से जो फर्स्ट सीट है ये सेकंड सीट है, ठीक है। फर्स्ट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया इवन, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा इवन, ठीक हो गया। पॉजिटिव चार्ज था, आउटपुट होगा फील्ड इवन इवन, ठीक हो गया, नो डाउट। अब सेकंड जो सीट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या होगा, इसका भी आउटपुट होगा E2, इस तरफ क्या होगा E2, इस तरफ क्या होगा E2, ठीक होगा, समझ में, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद ये मैंने मान लिया A सेक्शन, ये मैंने मान लिया B सेक्शन, ये मैंने मान लिया C सेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों सीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं कहां कहां पे, A सेक्शन में, B सेक्शन में, C सेक्शन में, क्योंकि हमारे पास तीन स्पेस है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बात की जाए फर्स्ट सेक्शन की, मतलब ए सेक्शन में, इन सेक्शन ए, इस सेक्शन ए में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ई1 भी इस तरफ है, ई2 भी इस तरफ है, तो रिजल्टेंट जो फील्ड बनेगा वो किसके इक्वल होगा, ई1 प्लस ई2, ठीक होगा, और पूरे के ऊपर लगा दिया मैंने माइनस साइन। इस तरफ जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या कंसिडर किया, पॉजिटिव, उस तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी बनी उसको क्या कंसिडर किया मैंने, नेगेटिव, ठीक है। अब E1 और E2 दोनों ही की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, सिग्मा वन मान ली मैंने फर्स्ट की वजह से, सिग्मा वन बाय में 2 एप्सिलॉन 0, और दूसरे की वजह से मान ली मैंने सिग्मा 2 जो सेकेंड सीट है, सिग्मा 2 बाय में 2 एप्सिलॉन 0, और पूरे ही पर आ गया माइनस साइन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया। अब ये होगा मेरे पास में केस, ठीक है, 1/2 epsilon मेरे पास कॉमन आ जाएगा, σ1 प्लस σ2 विद माइनस साइन, ठीक है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ए सेक्शन, ठीक हो गया। अब इन सेक्शन बी, अगर इस बी सेक्शन की बात करें, यहां जो E2 है वो मेरे पास क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, E1 क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E1 पॉजिटिव प्लस माइनस ऑफ E2, ठीक होगा। हालांकि हम प्लस कर रहे थे बट डायरेक्शन पॉजिटिव होने की वजह से या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होने की वजह से क्या आएगा, माइनस है। तो E1 की वैल्यू थी σ1/2 epsilon 0 माइनस σ2/2 epsilon, ठीक होगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इसके बाद भी क्या होगा, 1/2 epsilon 0 कॉमन, σ1 माइनस σ2, ठीक होगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
सही है। नेक्स्ट केस, अब यहां इस केस में क्या होगा भाई, इन सेक्शन सी, सेक्शन सी की अगर बात करें, ई हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों पोल्स एक्स डायरेक्शन में है, तो ई वन प्लस ई टू हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्मा वन अपॉन में टू एप्साइलन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन में टू एप्साइलन इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब वन बाई में टू एप्साइलन कॉमन आ जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इज इक्वल टू टोटल ई, क्लियर है। अब ये हो गया हमारे पास में सारे सारे रिजल्ट। अब इसके बाद स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है भाई, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट केस मेरे पास में है, लेट सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा, दोनों सिग्मा वन और सिग्मा टू को मैंने सिग्मा सिग्मा कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ए सेक्शन में, इन ए सेक्शन, इस ए सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो किसके बराबर होगा बताओ, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा बन जाएगा, तो ई मेरे पास बन जाएगी माइनस वन बाई ए टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और दूसरा भी क्या है सिग्मा, ठीक होगा, कोई तकलीफ नहीं है पक्का। अब मेरे पास क्या बन जाएगा, टू सिग्मा डिवाइड बाई में टू एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ, टू से टू कैंसिल, मतलब वैल्यू बचेगी माइनस का सिग्मा डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट ए सेक्शन में। इन सेक्शन बी, बी सेक्शन की अगर बात करें तो क्या आएगा, देखो क्योंकि हमारे पास क्या है, सिग्मा वन भी सिग्मा है और सिग्मा टू भी सिग्मा है, तो ये सिग्मा क्या बन जाएगा, सिग्मा क्या बन जाएगा सिग्मा, तो इसका मतलब वन बाई में टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी जीरो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज सीख रहे हैं तो बीच का जो नेगेटिव फील्ड क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अगर दोनों में चार्ज डेंसिटी सेम है तब सिर्फ तब, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बन जाएगा बीच में जीरो। अब नेक्स्ट सेक्शन अगर इसकी बात करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सेक्शन सी, सी सेक्शन की अगर बात करें तो सी सेक्शन में क्या होगा बताओ, अब सी सेक्शन में क्या था, सिग्मा वन सिग्मा, सिग्मा टू सिग्मा, तो ई हमारे पास बन जाएगा वन बाई में टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, इसका मतलब टू सिग्मा डिवाइड बाय में टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। ये फर्स्ट हमारे पास स्पेशल केस था जब सिग्मा वन सिग्मा है और सिग्मा टू भी सिग्मा है। सेकेंड स्पेशल केस, सेकेंड स्पेशल केस का मतलब क्या है, मैंने अब की बार मान लिया सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा टू इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, दिस इज द टॉपिक गिवन इन एनसीईआरटी एंड दिस टॉपिक इज गिवन इन प्रदीप बुक, ठीक है, तो जो अब तक बता दें आपको एक्स्ट्रा है और ये एनसीईआरटी में गिवन था। अब क्या होगा भाई, इवन इन सेक्शन ए, ए सेक्शन की अगर बात करें, अब बताओ ई मेरे पास क्या बने बताओ, वन बाई में टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, दूसरा मेरे पास क्या है माइनस सिग्मा, तो क्या होगा भाई माइनस का सिग्मा, ठीक हो गया। सिग्मा वन सॉरी सेक्शन ए की बात करें, वन बाई में टू एप्सिलॉन विद माइनस साइन और सिग्मा माइनस सिग्मा वैल्यू जीरो, ठीक हो गया। ए सेक्शन में, इन सेक्शन बी, सेक्शन बी की अगर बात की जाए तो वैल्यू ई हमारे पास क्या बनेगी, वन बाई में टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन सिग्मा, सिग्मा टू हमारे पास क्या होगा माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक होगा, तो इसका मतलब टू सिग्मा डिवाइड बाई में टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा डिवाइड बाई में एप्सिलॉन हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट नेगेटिव फील्ड, ठीक होगा। अब बात की जाए सेक्शन सी की, सी सेक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू वन बाई में टू एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा वन क्या बनेगा, सिग्मा, सिग्मा टू क्या बनेगा, माइनस सिग्मा, कट जाएगी तो रिजल्टेंट लाइक्लीहुड क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये मेरे पास था पॉजिटिव चार्ज सीट, ठीक है, जो सेकंड केस मैंने माना है। ये मेरे पास है नेगेटिव चार्ज सीट, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा E1, इस तरफ होगा E1, इसके इस तरफ भी होगा E1, और जो ये सीट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, यहां पे भी क्या होगा E1 और यहां सॉरी E2, यहां भी क्या होगा E2, ठीक होगा। तो यहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल हो रही है इसलिए पता चल रहा है, यहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो रही है इसलिए पता चल रहा है, और यहां दोनों सेम डायरेक्शन में है जिससे क्या हो जाएगा सम, और सम हो जाएगा तो इसका मतलब बीच वाले रीजियन में अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं बनेगी अगर एक पॉजिटिव चार्ज सीट है एक नेगेटिव चार्ज सीट है। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज सीट है तो जो ये वाला केस था बीच वाले रीजियन में तो दोनों पॉजिटिव सीट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बनता बीच में जीरो, ठीक हो गया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको, और एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, थैंक यू।